प्रॉब्लम नंबर भाई, प्रॉब्लम नंबर 51 को देखो। प्रॉब्लम नंबर 51 के अंदर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखो इसको मिटाओ यार, ये क्या हो गया। सही है, प्रॉब्लम नंबर 51 के अंदर आपसे कह रहा है व्हाई या चौक कॉइल कैन नॉट बी यूज इन डीसी। चौक कॉइल का इस्तेमाल आप डीसी के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो पहले देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 01 कोड है। डीसी की बात कर रहा कि चौक कॉइल को आप डीसी पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, या डीसी के कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछूं डीसी क्या होता है, डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब अगर ग्राफ के साथ देखोगे करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना, और अगर वहीं आप एसी की बात करोगे तो टाइम के साथ एसी जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो इसका मतलब डीसी में जो है किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। दैट्स वाई अगर मैं चौक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस देखना चाहूँगा, क्योंकि चौक कॉइल है, चौक कॉइल के पास इंडक्टर होता तो इंडक्टर का अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा। रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस। अब जब फ्रीक्वेंसी ही डीसी की जीरो है तो एक्सएल की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि चौक कॉइल डीसी करंट के लिए किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाती, लाइन क्लियर होती है। और जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाएगी चौक कॉइल तो वो कंट्रोल कहाँ कर सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब रेजिस्टेंस ही शो ऑफ नहीं कर रही चौक कॉइल डीसी के लिए, तो डीसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तो सवाल यही था कि क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी की जीरो होती है, दैट्स वाई इट कैन नॉट कंट्रोल डीसी।